राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक संध्या गुप्ता सोमवार को डुमरी पहुंची एवं अभ्यर्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश, कहा चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों का करे अनुपालन। प्रेक्षक ने अंचल सह प्रखंड कार्यालय सभागार में वार्ड सदस्य पद के उम्मीदवारों एवं मुखिया पद के उम्मीदवारों तथा अनुमंडल कार्यालय डुमरी सभागार में पंसद पद के उम्मीदवारों के साथ अलग अलग बैठक कर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों एवं आदर्श आचार संहिता के नियमों की जानकारी दी। इस दौरान वार्ड सदस्य पद के आर ओ सह BDO सोमनाथ बंकीरा, मुखिया पद के आर ओ सह CO धनंजय गुप्ता एवं पंसद पद के आर ओ सह SDM प्रेमलता मुर्मू बैठक में उपस्थित रहे। सामान्य प्रेक्षक ने उपस्थित अभ्यर्थियों को बताया कि अभ्यर्थियों को चुनाव में खर्च का ब्यौरा व्यय पंजी में रखना है, किसी भी प्रकार से मतदाताओं को धमकी नहीं देना है और न ही मतदाताओं को कोई प्रलोभन देना है। साथ ही किसी राजनीतिक दलों के नाम का प्रयोग नहीं करना है, किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार करने व वोटरों को लुभाने के लिए नहीं करना, जबकि किसी उम्मीदवार के निजी जीवन पर टीका टिप्पणी नहीं करना। वहीं उन्होंने अभ्यर्थियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी सरकारी भवन व बिजली व सार्वजनिक स्थलों में दीवार लेखन पोस्टर लगाने आदि का कार्य कदापि न करें, जबकि सोशल मीडिया उपयोग एवं पेड न्यूज पर भी चुनाव आयोग की नज़र रहती है। बताया कि वार्ड सदस्य पद के अभ्यर्थी 14,000 रुपये, मुखिया अभ्यर्थी चुनाव में 85,000 रुपये एवं पंसद पद के अभ्यर्थी 71,000 रुपये अधिकतम खर्च कर सकते हैं। डॉक्टर समीर कुमार से दाई मांगे जाने के कारण IMA के द्वारा बात हुई है कि पूरा निजी अस्पताल बंद किया जाए। हम लोग भी बंद रखे हुए हैं, इसके चलते आस पास में बहुत से अस्पताल हैं, सारा निजी अस्पताल बंद है। अब कब ये दवाएँ शुरू करेंगे? अभी प्रशासन क्या एक्शन लेती है, देखिए आप IMA का जो निर्णय होगा वही हम लोग का भी निर्णय रहेगा। 24 घंटे का तो आप लोग आज बंद ही रखते हैं, क्या ये आगे भी बढ़ सकता है? आप भी देखिए आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन 24 घंटे तो हम लोग बोला गया है बंद रखने के लिए, हम लोग बंद रखे हैं। तो फिलहाल आज सभी सेवाएं बंद रखें? फिलहाल सभी सेवाएं बंद। अगर कोई मरीज इमरजेंसी में आते हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? इमरजेंसी को देखा जाए तो देख के फिर बात करते हैं डॉक्टर, इमरजेंसी के लिए हम लोग नहीं, लेकिन अभी सारा समय बंद है। क्या अपील करना चाह रहे हैं जिला पुलिस से? अपील चाहे जो रंगदारी मांगा जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, आज आए दिन देख रहे हैं, कुछ कानूनी कार्रवाई किया जाए और क्या हो, कानूनी कराया जाए। हर दिन देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर से अस्पताल से मारपीट ये सब होते जा रहे हैं, जिसके चलते कानूनी कार्रवाई नहीं होने से डॉक्टर असंतुष्ट हैं। कुछ वर्ष पूर्व आपके अस्पताल में फायरिंग की घटना? हाँ, मेरे यहाँ भी हुआ था फायरिंग, उसमें भी डॉक्टर IMA के डॉक्टर सुशील कुमार धरना में बैठे हुए थे। यहाँ पर स्थितियाँ तो बदल नहीं रही? नहीं, बदल नहीं रही, दिन एक दिन बिगड़ते जा रही है। ऐसे में काम करना कितना सुरक्षित आप लोग महसूस? नहीं, सुरक्षित तो हमको कानून व्यवस्था बहुत काम लग रहा है, सुरक्षित नहीं लग रहा है। क्या लगता है इस सरकार में कानून व्यवस्था जिले की राज्य की अच्छा नहीं? अच्छा तो नहीं लग रहा, इस तरह के घटनाएं होने के बाद अच्छा तो कोई नहीं बोलेगा।